आप देख रहे न्यूज इटकी। न्यूज इटकी में आपका स्वागत है। देखिए एक रिपोर्ट। त्याग और बलिदान का त्यौहार ईद उल अजहा संपन्न, मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। त्याग और बलिदान का त्यौहार बकरीद गुरुवार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। सुबह से ही इस्लाम धर्मावलंबियों ने बकरीद की विशेष नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में पहुँचने लगे। इटकी जामा मस्जिद में प्रातः 8 बजे मौलाना तलहा नदवी के इमामत में सैकड़ों लोगों ने बकरीद की विशेष नमाज अदा की। खुतबा के अलावा देश की एकता, अखंडता, भाईचारे, तरक्की, बुराई की खात्मे और विश्व शांति की सामूहिक दुआ की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर त्यौहार का मुबारकबाद दिया। इसके बाद लोगों ने कुर्बानी की रस्म अदा की। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए इटकी थाना प्रभारी अमित प्रशांत पुलिस बल के साथ मुस्तैद थे। जामा मस्जिद के अलावा मदीना मस्जिद, मस्जिद जाफर, मस्जिद सैयदा, मस्जिद जामे रशीद, मस्जिद आयशा, मस्जिद जोहरा सहित गढ़गांव, कुर्गी, कुंदी, रानी खटंगा, टुरगुरु स्टेशन, ओमोरो सहित अन्य गांवों में बकरीद की विशेष नमाज अदा की गई। बारिश को लेकर इटकी ईदगाह में बकरीद की विशेष नमाज इस वर्ष नहीं हुई। Thank you.